हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन अनबॉक्सिंग कर रहे हैं गेमिंग प्रोजेक्टर दी, एलईडी प्रोजेक्टर मेरे गेमिंग के लिए। 100 इंच का प्रोजेक्टर बहुत कैंट है, बहुत बढ़िया है। मैंने इसको यूज़ किया है, दोबारा अनबॉक्सिंग डाल रहा हूँ उसकी। दोबारा पैक करके दोबारा डाल रहे हैं। ये है इसका डब्बा, ये रहा डब्बा, इसकी स्पेसिफिकेशंस, ये इसका दूसरी साइड, ये हमारा बॉक्स इसका। ये देखो इसका बॉक्स है। चाहिए इसका रिमोट आ गया, रिमोट तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। रिमोट तो बढ़िया है, रिमोट क्या है। यही कुछ है बस इसमें। चलो इसको रखते हैं साइड में, राइट साइड में रखते हैं। और ये हमारा मेन कंसोल तो जब है ये रहा हमारा मेन कंसोल। ओके, ये देखो ऐसा है। विजन 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 कर दी विजन। ये देखिए ऐसा है कंसोल हमारा ब्लैक कलर में। इसकी बैक साइड ये हेडफोन लगाने के लिए, ये क्या है वीडियो के लगाने के लिए, और ये HDMI और प्ले स्टेशन वगैरह स्टेशन वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, ये वीडियो लैपटॉप वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। और ये फ़ैन है इसका, ये पावर केबल ऑन ऑफ वाला बटन, इसे नीचे वार्निंग दी हुई है कैसे कैसे चलाना है। ओके, ये ऊपर से ऊपर की साइड, ये मेनू का है, ये है ये बैक वैक पावर ऑफ ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम वगैरह का। और ये विजन इसकी ब्रांडिंग, ये वार्निंग दी है इसका फ्रंट लुक से ऐसा है। ये वाला इसकी एयर फिल्टर है, इसके नीचे एयर फिल्टर है, हवा हवा के लिए। खोल के दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए फिल्टर हमारे खोल लिए, ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है, मिट्टी मिट्टी बड़ी हुई है, यूज़ किया है ना मैं, बस बस इतना ही बात है। बाहर नहीं आएगी के अंदर। और उसके बाद ये हमारा लेंस, मेन लेंस इसका इलेक्ट्रिकल लेंस, नीचे की साइड ये स्टैंड है ऊपर नीचे करने के लिए। ये लिए इसकी वार्निंग वगैरह कुछ सब कुछ। ये बैक सर्वर यही कुछ है, ये वाला प्रोजेक्टर को सेटिंग करने के लिए। और ये इसकी ये देखो ऐसी इतनी बड़ी स्क्रीन है इसकी, ये हमारा प्रोजेक्टर। और ये इसकी स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है, और बढ़िया नहीं लग रहा होगा क्योंकि ज़मीन में आएगी कैसे तो बढ़िया पूरा बढ़ जाती है। हमारा प्ले स्टेशन 5 की GTA 5 की गेम की कोशिश करके दिखा रही है। चलो बैठे उस पर साइड में चलो, बस जाएगा यही कुछ था अनबॉक्सिंग में। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय गाइस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस गेम को थोड़ा